लालू प्रसाद जी को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, काफी समय से चल रहे बीमार लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य आखिरकार इस समय कैसा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले उनका इलाज किया गया था। लालू जी का इलाज कुछ दिन दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चलता रहा। डॉक्टरों द्वारा जब वहां पर पूरी बॉडी की जांच की गई तो पता लगा कि लालू जी की किडनी है वो 75 से लेकर 80% तक डैमेज हो चुकी है, उसकी वजह से लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता हुआ जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद जी को डॉक्टर ने राय दी और सिंगापुर चले गए अपनी किडनियों का इलाज कराने के लिए। सिंगापुर में लालू जी की किडनियों का कुछ दिन इलाज चला, वहां पर डॉक्टर ने बताया कि लालू जी की सेहत में अब फायदा हो रहा है और वो बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। सिंगापुर से लालू प्रसाद जी वापस दिल्ली आ गए, लेकिन लालू जी की किडनियों में ज्यादा प्रॉब्लम्स होने की वजह से उनकी हालत नाजुक बताई हुई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती है वो अपनी किडनी अपने पिताजी को डोनेट करेंगी। सोशल मीडिया पर यही खबर सामने निकल कर आ रही है कि उनकी बेटी अपने पिताजी को किडनी देंगी और लालू प्रसाद जी बहुत ही जल्द सिंगापुर जाएंगे अपनी किडनियों का ट्रांसप्लांट कराने के लिए। जो भी माताएं बहन भाई बहन फैंस लोग चाहने वाले आज का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक बार ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर लालू प्रसाद जी के लिए ठीक होने की कामना करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और वापस अपने घर आ जाए। हम सब यही चाहते हैं कि ईश्वर लालू जी को जल्द से जल्द ठीक कर दे। फिलहाल अभी तो लालू जी ठीक बताए हुए जा रहे हैं और सिंगापुर जाएंगे बहुत।